ऐसा है ना चटनी का, इसमें बहुत मसाले मिलते हैं, है कूट बस संधा नमक नागर मसाला इलायची काली मिर्च हरी मिर्च लहसुन मक्खन चाट मसाला जायफल जायफली लक्ष्मिया बन के आठ। सन 15 अगस्त 1988 बड़ी बैठ रही है पर जगदीश टाइडलर ने भुट्टा खा रखा है, 7-8 गाड़ियों की लाइन लगा दी यहाँ। ये मुझे मास्टर भैया तुम बोर्ड महीनों को मास्टर है भैया गुरु कौन है पीएचडी 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 कर रही है डॉक्टर लीलाधर भट्ट डॉक्टर लीलाधर भट्ट है ना भुट्टा स्पेशलिस्ट। यू भाग उन्हीं काटती हूँ गुजरात बेले होनी अच्छा और यो होना पुल भट्टा भट्टी सितारगंज रोड मैं पहली काशी बैठी तराजी 3 साल में दोनों बेची वाह उस टाइम में 1 रुपए 4 भुट्टे थी। ओहो अभी धीरे धीरे बढ़ते की हाँ मैं बीच में तराजी बात छोड़ दे मैं 3 साल वहाँ रहेगी जय रामनगर। अच्छा घर में चल दी देखो भाई तुम ना ना यहाँ से घर अच्छा रिश्तेदार छीन वहाँ गए 2 साल अच्छा बाजू मर गई हमारे फिर घर आयो अच्छा फिर 88 बड़ी कारोबार चला यहाँ अच्छा हो यो चटनी फटनी हो रहा आविष्कार मैंने करी अब सबे लोग नहीं लेकिन पहली मैंने शुरू करी हो चटनी वाली यो 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 लहसुन जा जाओ मसाल दिखाओ जरा यो देखो दिखाओ को दिखाओ डब भर रखा यो डब भर रखा एक बार खाऊं बार बार हूँ अच्छा चटनी मैं खा भेजी आप घर में ले जाएंगे लो चटनी भी रख लो जब तो हमारा आप 19 का दुखा है अपन हमारे एक चल एक चेल अच्छा एक ना चीन ना भाई क्या बात तू बोले बिल्कुल परिवार तुम्हारे सीमित छू कौन तुम्हारी ऐप है कौन हूँ तुम अली भाई क्या नाम है ये ग्राम सभा चोपड़ा 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 जोलीकोट नैनीताल ये भुट्टा बढ़ाओ पा हो गयो करूँ भुट्टा बेच देनी लगभग सीजन टाइम में हमारे 500-600 भुट्टे बिकनी कह रहे एक दिन बैर बड़ी डिमांड है अच्छा 100 भुट्टे धर दिया 200 धर दिया 50 धर दिया अभी आ रहे हैं तैयार रहना अच्छा और खत्म हो गया है इसके हमारे सीजन में जरा चल जा तो भट्ट जी आप पूरा नाम क्या है मेरा नाम लीलाधर भट्ट अच्छा लीलाधर भट्ट जी भाई उठ जा रहा हूँ नींद में 3 बजे उठ गए हाँ 15 दिन से डालूंगा लैट्रिन बाथरूम का भी कटरी मतलब 3 बजे बड़ी शुरू हो जाएगा 3 बजे बड़ी चढ़पड़ है फिर पर तुमको ये होने भाई फिर यहाँ होने नीले भाई श्रीवीर भाई उदाई है फिर चलो बढ़िया कारोबार तुम्हारा ठीक कराओ मतलब तो यहाँ की भट्टू कदू भैर सप्लाई ले जाओ कहाँ का भेजा हम उसी कहीं नहीं भेजेंगे जो हो यही हो कहीं भी अपन घरों ले जाने लोग अच्छा उसी पैक कर भेज पहली बड़ी में खूब खेत खरीद लीजिए हाँ जिसकी भुट्टा वाला है अब सामर्थन है तबियत खराब है हमारे यहाँ विधायक वगैरह मंत्री वगैरह सभी आते हैं हमारे विकास खंड के जो है ब्लॉक प्रमुख ना हाँ। वो तो कई मीटिंग होती है तो बोलते हैं मेहनत करो तो भट्ट जी की तरह क्या भून के जीवन यापन करा बहुत बढ़िया और वैसी मेरे पास कुछ नहीं है ये नहीं है या शर्म मत करो बिल्कुल ना काम करना चाहिए काम करना चाहिए काम करके सबको और ईमानदारी हाँ। कोई सामान भूल गया हाँ। उसको तुरंत आता है लौटा दो संभाल के रखो बिल्कुल और यही नहीं कि चुपचाप छुपा दो हाँ, हाँ। एक बार लखनऊ की एक गाड़ी आई थी हाँ। लेडीज पर्स यहाँ पर भूल गए हाँ। मैंने देखा मैंने किसका है हाँ। मैंने ये ढक्कन उठाया इसके अंदर डाल दे मेरा जिसका होगा ले जाएगा हाँ। शाम को 4 बजे आ गया कह रहा यार एक चीज खो गई हमारी हाँ। आपको मिली तो दे दो ठीक है 500 ले लो हाँ। और मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो ये चेक करो आप ले जाओ हाँ, वो ऐसी भुनता भून रहा था मैं जब जेब में डाल गया 500 ठीक है तीसरे दिन आया तो बोला
भटजी 7 लाख का आइटम था, डायमंड जीवर और पैसे भी थे ना। कई होती है, कोई मोबाइल भूल जाता है, कोई पैसे भूल जाते हैं, किसी के गिर जाते हैं, तो देना चाहिए। ईमानदारी बड़ी चीज़ है, ईमानदारी बड़ी चीज़ है। हमको मिल गया हम खुश हो जाएंगे, अगला रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सही। पीढ़ी को ये कहना चाहेंगे कि मेहनत करो, संघर्ष करो, ईमानदारी से रहो, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से सब संभव है, मेहनत से सब कुछ संभव है। हमारे पास कुछ नहीं है, जमीन जरा खेती इसी से हमने जीवन व्यापन करा, बाल बच्चे पाले, मकान बनाया, मकान जमीन जोड़ी, सभी कुछ। जिधर भगत, तिलक राज बिहड़, बलराज पासी, अजय भट्ट जी, सुरेश भट्ट जी ना, सब भुट्टा खा, और भी अन्य कई लोग हैं जिन्होंने हमारे यहाँ भुट्टा खा रखा। वो कोश्यारी जी पहले मुख्यमंत्री बने, उनने ही भुट्टा खा रखा है ने। और यूपी के तो कई मंत्री ने भुट्टा खा रखा है, हमारा राजा भैया ने हमारे यहाँ भुट्टा खा रखा है। एक बार पोस्ट मास्टर जनरल जुलीकोट में आए, उनका भटजी कहाँ से भुट्टा लाओ। अब वो जिससे भुट्टा मंगाए उनका कहाँ जाए, वो कहीं 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 अगल बगल से उठा लेगा भुट्टो को। अब उन्हें पूछा, भाई तुम भुट्टा कहाँ से लाए सही बताना। वो भटजी कहाँ से लाए, उनका कुछ कहना नहीं आया। उसको कहना, हाँ सर वहाँ से नहीं लाया मैं। उन्हें चटनी पहचान ली, भुट्टा पहचान लिया ना, तो कह रहा यार उनने साहब ने एकदम पहचान लिया, तुम भटजी यहाँ से नहीं लाए हो करिए, ऐसा होता है। तो जोलीकोट से 4 किलोमीटर नीचे जब हम हल्द्वानी को जाते हैं, और जब हल्द्वानी से आते हैं तो दो गाँव से 2 किलोमीटर ऊपर ये है लीलाधर भट्ट जी। बहुत सयाने आदमी है ये, वास्तव में बड़े ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं, और इनके यहाँ सब नेता अभिनेता सभी भुट्टा खाने आते हैं। तो हम भी आज यहाँ पर मिले हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। इनका मूल मंत्र है कि परिश्रम ही जीवन है, जो आदमी परिश्रम कर लेगा वो कुछ न कुछ कर ही लेगा। तो भट्ट जी को हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम भी करते हैं। बहुत सीनियर आदमी हैं, 35 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो शुभकामनाएं देते हैं और हम भी इनके भुट्टों का आनंद ले रहे हैं। जाती का घुंघरू, जाती का घुंघरू, कथा कौन खाओ पियो थको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, आई ते रोमाला गुलाबी मुखाड़ी के भली छाजी रे नाक की नथुली। बहुत धन्यवाद आपका, बाकी आपको शुभकामनाएं हमारी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए बढ़िया, और एक युवाओं को संदेश आपने दिया इसके लिए आपका धन्यवाद दिए। ओके नमस्कार, फिर मिलते हैं।